हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोमास्टर जी में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है पोको X2 फोन। इसमें टेम्पर ग्लास लगाने वाले हैं और दोस्तों बताएंगे कौन सा टेम्पर ग्लास बेस्ट होता है, आप अपने फोन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर चले गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पोको X2 फोन। इसके लिए मैं टेम्पर ग्लास मंगाया हूँ फ्लिपकार्ट से। तो ये रहा हमारा पैकेट, इसमें टेम्पर ग्लास है। अभी इसमें इंस्टॉल करके मैं दिखाऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे कैमरा ग्लास भी मंगाया हूँ। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कैमरा ग्लास का। तो फ्रेंड्स, टेम्पर ग्लास को अभी लगाते हैं फोन में और कंप्लीट रिव्यू देते हैं कैसा है टेम्पर ग्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट का। तो इसे अभी मैं कट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, टेम्पर ग्लास का बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी मैं कट करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बस एक टेम्पर ग्लास के अलावा। ये देखिए टेम्पर ग्लास है, ओके। और इसमें दोस्तों वाइप्स भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अभी मैं निकालता हूँ ग्लास को। तो ये देखिए, ये ग्लास है कुछ इस प्रकार का। और इस ग्लास के अंदर दोस्तों यहाँ वाइप्स दिया गया है। वाइप्स में दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 जो है वो वेट है, इसमें लिक्विड रहता है, और 2 नंबर जो है वो ड्राई है, ये पूरा ड्राई रहता है, ओके। 1 है लिक्विड और 2 है ड्राई। मतलब 1 आप अगर यूज करते हैं तो जितना भी लिक्विड से डस्ट पार्टिकल है फोन में वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा 1 में, और 2 में आप ड्राई से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और ये है हमारा ग्लास कुछ इस प्रकार से। ये देखिए पूरा फ्लेक्सिबल है, ओके। तो ये देखिए हल्का बैंड भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी इसे इंस्टॉल करूंगा फोन में और बताऊंगा ये किस तरीके का ग्लास है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, आप अगर ये ग्लास लगाते हैं तो साइज वगैरह देख ले। ऑनलाइन में कभी काल जैसे होता है कि सेलर के पास स्टॉक नहीं रहने से दूसरा ग्लास भेज देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप मेजरमेंट कर ले, आपको लगे कि ठीक है तभी इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो फिर उसे वापस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ग्लास लगाने का सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले को अच्छी तरीके से साफ कीजिए। यहाँ पे हमें वाइप्स मिला है तो वाइप्स से मैं यूज़ करूँगा, नहीं तो आप दोस्तों नॉर्मल कोई भी चश्मा वगैरह साफ करने वाला कपड़ा से यूज़ कर सकते हैं, कुलीन वगैरह से, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइप्स है तो वाइप्स का नंबर 1 को पहले निकालते हैं और इससे मैं डिस्प्ले को अच्छी तरीके से साफ करता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बोला था कि नंबर 1 में वेट रहता है, तो यहाँ पे देखिए इसको साफ करने के टाइम ही आपको पता चल जाएगा, हल्का हल्का लिक्विड निकलेगा इससे, और आपका जो फ़ोन का जितना भी डस्ट पार्टिकल है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अच्छे तरीके से साफ करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर 2 को ओपन करना है, और इसमें जो क्लोथ रहेगा वो आपका पूरा ड्राई रहेगा, इसमें आपको कोई भी लिक्विड नहीं मिलेगा। तो इससे आपको अच्छे तरीके से हल्के हाथों से रफ करना है, और जितनी भी लिक्विड है इसमें आपका सोख लेगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से साफ करना, मतलब कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं रहना चाहिए डिस्प्ले के ऊपर, ओके। यहाँ पे देखिए मैं अच्छे तरीके से साफ कर लिया हूँ, एक भी डस्ट पार्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम इंस्टॉल करते हैं ग्लास को। ये रहा हमारा ग्लास, आप अपने फोन को रख लीजिए, और ये है ग्लास, एक कोना से आप निकालिए इस तरीके से, और ग्लास को इस तरीके से पकड़िएगा, ओके। उसके बाद दोस्तों फोन का लाइट ऑन कर लीजिए, डिस्प्ले में जो लाइट है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेजरमेंट कर लीजिए पहले ऊपर से, और फिर दोस्तों यहाँ पे मिला के आपको जस्ट छोड़ देना है जिस तरीके से मैं छोड़ रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ग्लास एड्ज टू एड्ज बैठा दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको उंगली से इस तरीके से प्रेस कर देना है, इससे क्या होगा कि जितने भी एयर रहता है अंदर वो आपका बाहर निकल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एयर बाहर निकल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ड्राई वाला क्लॉथ था उसे आपको हल्के हाथों से रफ करना है जहाँ जहाँ पे आपका एयर रहेगा, इस तरीके से कुछ। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा ग्लास लग चुका है, और जो छोटे छोटे बबल्स आप देख पा रहे हैं वो आपका फोन हीट होने के बाद 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम टच एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं टच वच में कोई इशू आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आ रहा है, परफेक्टली टच वर्क कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमारे पास 9H ग्लास है। तो फ्रेंड्स, आप 11D लेते हैं तो वो थोड़ा पतला होता है और अच्छा नहीं होता है, उसमें बबल ज़्यादा आ जाता है और बाद में प्रॉब्लम करता है ग्लास उठाने के टाइम। तो आप अगर 9H या फिर थोड़ा कॉस्टली ग्लास लेंगे वो बेस्ट होता है फ़ोन के लिए, थोड़ा मोटा थिकनेस में मिलता है, उससे आपका जो फ़ोन का प्रोटेक्शन है वो और बेहतर हो जाता है।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों आपको अगर ये टेम्पर ग्लास परचेस करना है तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।